सर्कुलर मोशन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में क्या गिवन, एक कार है जो सर्कुलर टर्न ले रही है, ये मान लो सर्कुलर टर्न है, और इस टर्न पे इस कार के अंदर एक पेंडुलम लगा रखा है। क्या लगा? पेंडुलम लगा रखा है। तो पेंडुलम पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है वो एक थीटा एंगल बना रही वर्टिकल से, और इस तरह से वो स्ट्रिंग हो रही है, ठीक है। तो ये जो इस तरह से होने का रीज़न क्या है, जब कार सर्कुलर टर्न ले रही है तब ये पेंडुलम थोड़ा इस साइड में झुक रहा है सर्कुलर टर्न से। इसका रीज़न है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो पेंडुलम है वो इस तरह से थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल से। ये एंगल फाइंड करना है हमें। गिवन एक तो सर्कुलर टर्न का रेडियस गिवन है, कितना रेडियस दे रखा है 10 मीटर। दूसरा दे रखा है स्पीड ऑफ कार गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या आएगा, 36 × 5/18। तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से ये कार मूव कर रही है। अब यहाँ देखो ये एंगल पूछा है वर्टिकल से, तो वर्टिकल एंगल कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मान लो टेंशन टी है, ठीक है। तो टेंशन टी के कंपोनेंट निकालो, एक तो कंपोनेंट ये कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा, यानी ये जो थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो टेंशन का ये कंपोनेंट क्या होगा, टी कोस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन थीटा, और नीचे क्या लगेगा, एम जी, राइट। तो यहाँ पर देखो बैलेंस कौन किसको कर रहा है, एम जी किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी इज इक्वल टू टी कोस थीटा, एंड नेक्स्ट क्या है, सर्कुलर सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू टी साइन थीटा, क्लियर है। तो अब एक कम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को डिवाइड कर दो, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेंशन टेंशन कैंसिल, कोस बाई साइन कोट थीटा इज इक्वल टू एम जी बाई एफ सी। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, राइट। एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। यहाँ से एम एम कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये अपने टर्म आ जाएगा जी आर बाई वी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, कोट थीटा इज इक्वल टू जी की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 10, स्पीड की वैल्यू 10 × 10, ये स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो गया, यानी कोट थीटा 1 आ गया, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए।